My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियो से हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पिछली कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियो से चर्चा की जा रही है। और प्रिय विद्यार्थियों, उसमें हम सभी लोगों ने सबसे पहले स्कूल एजुकेशन के बारे में चर्चा किया था और उसके उपरांत हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत हम सभी लोगों ने सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बारे में चर्चा किया था। उसके उपरांत संस्थागत पुनर्गठन और समेकन के बारे में चर्चा किया, फिर समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर इसके बारे में चर्चा किया था, और उसके उपरांत सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों के सहयोग के बारे में चर्चा किया, और फिर हम लोगों ने प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय के बारे में भी चर्चा किया था। उसके उपरांत उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश कैसे हो सकेगा, इसके बारे में चर्चा किया गया। और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा के बारे में चर्चा किया गया था। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकलन, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा कर चुके हैं। इससे रिलेटेड वीडियोज, इससे रिलेटेड कक्षाएं हमारी हो चल चुकी हैं। इससे रिलेटेड वीडियोज जो है प्लेलिस्ट में है, उसको आप आसानी से जा करके सर्च करके देख सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की जो क्लास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जो क्लास है, आज का जो यह वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, या जिसको हम लोग राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन कह रहे हैं। अनुसंधान फाउंडेशन या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। प्रिय विद्यार्थियों, तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि जो नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है, इसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित कैसे किया जाएगा, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, क्या कुछ नीतियां बनाई गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उसी के बारे में आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी कोर्स से रिलेटेड, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार संबंधित वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है प्रिय विद्यार्थियों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा होता है आपकी स्क्रीन पर, उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा जो कि लाल होगा, रेड होगा, तो उसको आप प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को चुन लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे, उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करिए, और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी जो स्टडी है, उनका भी जो अध्ययन कार्य है, वो भी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, उनकी भी तैयारी आगे बढ़ सके। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, बहुमूल्य सुझाव होंगे,
उन सुझावों पर भी अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट्स करिए, और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस करिए और ऑल के ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सभी लोग हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा का जो एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज रिसर्च या अनुसंधान, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान भी रहे होंगे कि जो हायर एजुकेशन है, उच्चतर शिक्षा है, उसका दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जो पहला महत्वपूर्ण कार्य है, दैट इज द रिसर्च या अनुसंधान होता है, दैट इज जो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है, दैट इज नॉलेज क्रिएशन या ज्ञान जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान को खोज कर, ज्ञान की खोज करना या ज्ञान को उत्पन्न करना, ज्ञान का सृजन करना, जो है ये अनुसंधान या रिसर्च का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि नए नए ज्ञान का सृजन किया जा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हायर एजुकेशन है, जो उच्चतर शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा के जो महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, उन सब का कार्य रिसर्च या अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है टीचिंग या अध्ययन अध्यापन का कार्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो उसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य है, दैट इज रिसर्च, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो कक्षा है आज का, यह जो वीडियो है, इसमें हम सभी लोग नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकेडमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करने के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, क्या कुछ उपाय सुझाए गए हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस कक्षा में, इस वीडियो के अंतर्गत। प्रिय विद्यार्थियों, कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स थ्रू अ न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एक नया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना है, जिसको हम लोग NRF भी कह रहे हैं या जिसको हम लोग राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन कह रहे हैं, इसके द्वारा प्रिय विद्यार्थियों एकेडमिक रिसर्च में जो क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च की बात होती है, गुणवत्ता युक्त एकेडमिक अनुसंधान की बात की जा रही है, उसको कैसे कैटेलाइज किया जाएगा, अर्थात उसको कैसे अभिप्रेरित किया जाएगा, कैसे उत्प्रेरित किया जाएगा, इसके बारे में क्या कुछ प्रावधान, क्या कुछ नीतियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है, इसी के बारे में आज की क्लास में, आज की कक्षा में चर्चा किया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो प्रतिवेदन बना है, जो रिपोर्ट है, उसमें प्रिय विद्यार्थियों रिसर्च के बारे में या अनुसंधान के बारे में या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले कहा गया है कि एक बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने और बनाए रखने में ज्ञान का सृजन और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे समाज का उत्थान होता है और लगातार राष्ट्र को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में इससे प्रेरणा मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो रिसर्च होता है, जो अनुसंधान होता है, इसकी महत्ता को स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि एक बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने और उसको बनाए रखने के लिए प्रिय विद्यार्थियों यह आवश्यक है कि ज्ञान का सृजन किया जाए, और ज्ञान का सृजन कैसे होता है, अनुसंधान के माध्यम से होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने और
उसको बनाए रखने में ज्ञान का सृजन और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मानना है। उसका मानना है कि जो ज्ञान का सृजन है या अनुसंधान जो है, उसी के द्वारा समाज का उत्थान होता है। अर्थात हमें अपने समाज का उत्थान करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अनुसंधान पर, शोध पर बल दें, जिससे कि ज्ञान का सृजन हो और लगातार राष्ट्र को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में इसी शोध से, इसी अनुसंधान से बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्रिय साथियों, इससे यह स्पष्ट होता है कि जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, वह कितना महत्वपूर्ण है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी अधिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी माना है कि यदि हमें अपने देश को, राष्ट्र को लगातार अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, ले जाना है, तो इसके लिए हमें ज्ञान के सृजन पर बल देना होगा। और ज्ञान का सृजन कहाँ से होता है? अनुसंधान से होता है या रिसर्च से होता है, और इसी अनुसंधान या रिसर्च के द्वारा ही एक बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित किया जा सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुसंधान या रिसर्च के महत्व को स्पष्ट किया गया है। सर्वप्रथम प्रिय विद्यार्थियों, Knowledge creation and research are critical in growing and sustaining a large and vibrant economy, uplifting society and continuously inspiring a nation to achieve even greater heights। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पूरी तरह से यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जो नॉलेज क्रिएशन का कार्य है, नॉलेज क्रिएशन अर्थात जो रिसर्च का कार्य है, नॉलेज क्रिएशन एंड रिसर्च आर क्रिटिकल इन ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग अ लार्ज वाइब्रेंट इकोनॉमी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग एक लार्ज और वाइब्रेंट इकोनॉमी की बात करें, एक बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था की बात करें, तो लार्ज एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी के लिए नॉलेज क्रिएशन या रिसर्च का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। नॉलेज क्रिएशन या रिसर्च जो होता है, ज्ञान का सृजन और अनुसंधान जो होता है, इसकी महत्व भूमिका होती है हमारे जीवंत अर्थव्यवस्था के लिए और एक बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए। अपलिफ्टिंग सोसाइटी एंड कंटिन्यूअसली इंस्पायरिंग अ नेशन टू अचीव इवन ग्रेटर हाइट्स। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम अपने राष्ट्र को ग्रेटर हाइट्स पे ले जाना चाहते हैं, नेशन को, राष्ट्र को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें रिसर्च पर या नॉलेज क्रिएशन पर बल देना होगा। अपलिफ्टिंग सोसाइटी एंड कंटिन्यूअसली इंस्पायरिंग अ नेशन टू अचीव इवन ग्रेटर हाइट्स, अर्थात हमें अपने समाज के उत्थान के लिए, समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, और साथ ही साथ अपनी नेशन के, अपने राष्ट्र को जो है ग्रेटर हाइट्स पर ले जाने के लिए, अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, हम सभी को रिसर्च पर या नॉलेज क्रिएशन पर बल देना होगा, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मानना है। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी रिसर्च या अनुसंधान की महत्ता को स्पष्ट करते हुए आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि निसंदेह पूरे इतिहास में सबसे समृद्ध सभ्यताओं जैसे भारत, मिसोपोटामिया, मिस्र, चीन और ग्रीस से लेकर आधुनिक सभ्यताओं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, दक्षिण कोरिया और जापान तक ऐसे समाज थे और हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक और भौतिक संपदा को मुख्यतः नए ज्ञान के लिए प्रख्यात और आधारभूत योगदान द्वारा प्राप्त किया है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो रिसर्च या अनुसंधान होता है, इसकी इम्पोर्टेंस को जो है व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि पूरे इतिहास में सबसे समृद्ध सभ्यता जिसको हम लोग मानते हैं, उसमें एक हमारी भी, हमारा भी सिविलाइजेशन है, इंडिया का सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन है। प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे समृद्ध सभ्यताओं जैसे भारत की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीस की सभ्यता, चाहे हम समृद्ध सभ्यताओं या प्राचीन सभ्यताओं की बात करें, या फिर जो आधुनिक सभ्यताएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सभ्यता हो गई, जर्मनी की सभ्यता, इजराइल, दक्षिण कोरिया और जापान तक की सभ्यता हो गई, इन प्राचीन सभ्यताओं और आधुनिक सभ्यताओं दोनों के विकास में रिसर्च या अनुसंधान या नॉलेज क्रिएशन का महत्व रहा है।
प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया कि ऐसे समाज थे और हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक और भौतिक संपदा को मुख्यतः नए ज्ञान के लिए प्रख्यात और आधारभूत योगदान द्वारा प्राप्त किया है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट किया जा रहा है कि ये जो प्राचीन सभ्यताएँ हों या समृद्धशाली सभ्यताएं हो या फिर जो नवीन और आधुनिक सभ्यताएं हैं, ये सभी सभ्यताएं जो हैं इसमें ये ऐसे समाज थे और हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक और भौतिक संपदा को मुख्यतः नए ज्ञान के लिए प्रख्यात और आधारभूत योगदान द्वारा प्राप्त किया है। अर्थात उस नॉलेज क्रिएशन या ज्ञान के सृजन की बात कर रहे हैं, अनुसंधान या शोध की बात कर रहे हैं, इसी शोध के द्वारा अपनी बौद्धिक और भौतिक संपदा को प्रख्यात इन सभ्यताओं ने किया है, इन सिविलाइजेशंस ने किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे कहा गया कि जैसे विज्ञान के साथ साथ कला, भाषा और संस्कृत के क्षेत्र में जिसने न केवल अपनी सभ्यताओं को बल्कि दुनिया भर की सभ्यताओं को परिष्कृत और उन्नत बनाया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि चाहे साइंस या विज्ञान के क्षेत्र की बात हो, विज्ञान की, या उसी के साथ आर्ट्स या कला की बात हो, भाषा और संस्कृत के क्षेत्र की बात हो, जिसने न केवल अपनी सभ्यताओं को बल्कि दुनिया भर की सभ्यताओं को पुरस्कृत और उन्नत किया है, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, भाषा और संस्कृत के क्षेत्र में जो नए नए नित शोध हुए हैं, जो अनुसंधान हुए हैं, इन्हीं शोधों या अनुसंधानों के द्वारा दुनिया भर की सभ्यताओं को पुरस्कृत और उन्नत बनाया जा सका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि यदि हमें अपनी सभ्यता को और आगे ले जाना है और आधुनिक बनाना है और पुरस्कृत और उन्नत बनाना है तो हम सभी को अनुसंधान या रिसर्च या शोध पर बल देना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं बातों को यदि इंग्लिश में देखें हम लोग तो इंडीड सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस सिविलाइजेशन सच एज इंडिया, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड ग्रीस टू द मॉडर्न एरा सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इजराइल, साउथ कोरिया एंड जापान वर और आर स्ट्रॉन्ग नॉलेज सोसाइटीज दैट अटेंड इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल वेल्थ इन लार्ज पार्ट थ्रू सेलिब्रेटेड एंड फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस टू अ न्यू नॉलेज। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सम ऑफ द प्रॉस्परस सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग प्रॉस्परस सिविलाइजेशन कहते हैं, जैसे हमारे देश इंडिया या भारत की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, इजिप्ट और ग्रीस की सभ्यता, या साथ ही साथ जो मॉडर्न एरा की बात किया जाए यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इजराइल और साउथ कोरिया एंड जापान की सभ्यता, वेयर और स्ट्रॉन्ग नॉलेज सोसाइटी दैट अटेंड इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल वेल्थ इन लार्ज पार्ट थ्रू सेलिब्रेटेड एंड फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू न्यू नॉलेज। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू न्यू नॉलेज अर्थात जो नवीन ज्ञान है, जो नए ज्ञान है, उन्हीं के द्वारा इन लोगों ने अपनी भौतिक और बौद्धिक संपदा को प्राप्त किया है। तो इसलिए इस नवीन ज्ञान को, न्यू नॉलेज पे हमें बल देना होगा। और न्यू नॉलेज कहाँ से प्राप्त होती है? रिसर्च या अनुसंधान या शोध के द्वारा प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, सेलिब्रेटेड एंड फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस टू न्यू नॉलेज इन द रियल्म ऑफ साइंस एज वेल एज द आर्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर दैट एनहांस्ड एंड अपलिफ्टेड नॉट ओनली देयर ओन सिविलाइजेशंस बट अदर्स अराउंड द ग्लोब। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि चाहे विज्ञान के क्षेत्र की बात हो, साइंस की बात हो, या आर्ट्स की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, या कल्चर की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में इन लोगों ने न्यू नॉलेज का क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन किया है। और इसी नवीन ज्ञान या नवीन ज्ञान के सृजन के द्वारा इन लोगों ने अपनी सिविलाइजेशन को अपलिफ्ट किया है, अर्थात अपनी सभ्यता का विकास किया है। और साथ ही साथ जो अन्य सभ्यताएं हैं या अन्य देश हैं या विश्व समुदाय के जो अन्य देश हैं, दुनिया भर की जो सभ्यताएँ हैं, उनको भी परिष्कृत और उन्नत बनाने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है
अनुसंधान एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र आज दुनिया में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ शायद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे फिर से रिसर्च या अनुसंधान की महत्ता को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि जो अनुसंधान है प्रिय विद्यार्थियों, जिसको हम लोग रिसर्च कहते हैं, यह क्या है? इट इज अ रोबस्ट इकोसिस्टम या एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है। अनुसंधान एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है जो आज दुनिया में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ शायद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जब प्रिय विद्यार्थियों हमारे दुनिया में, विश्व में जो है, जो चेंज है, जो रैपिड चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन है वो बहुत तेजी से हो रहा है, तो इस जो रैपिड चेंज या बहुत तेजी से होने वाले परिवर्तन में कहीं ना कहीं जो अनुसंधान है वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया है। अर्थात जब दुनिया में इतनी तेजी से, इतनी स्पीड में, इतनी गति से परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन के समाज में, इस परिवर्तन के युग में जो अनुसंधान है उसका महत्व बढ़ गया है, उसका रोल बहुत ही अधिक बढ़ गया है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकी गतिशीलता और प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, एक डिजिटल बाजार का विस्तार, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि इस तरह के परिवर्तन हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस रैपिड चेंज की या जिस तीव्र गति के परिवर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिया गया है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जो क्लाइमेट का चेंज है या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका प्रभाव हम सभी लोगों के ऊपर हो रहा है, या इसी के साथ साथ जो पॉपुलेशन या जनसंख्या के क्षेत्र में जो जनसांख्यिकी गतिशीलता है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। तो जनसांख्यिकी गतिशीलता और प्रबंधन का क्षेत्र हो, या साथ ही साथ जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, या वर्तमान समय देखिए जो डिजिटल इरा हम लोग जिसको अब कहने लगे हैं या ICT की एज कहने लगे हैं, तो एक डिजिटल बाजार का विस्तार, इसमें भी बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। मशीन लर्निंग के क्षेत्र में या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि इस तरह के कुछ उदाहरण हैं जिस क्षेत्रों में रैपिड चेंज या बहुत तेजी से परिवर्तन वर्तमान समय में हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अ रोबस्ट इकोसिस्टम ऑफ रिसर्च इज परहैप्स मोर इंपॉर्टेंट देन ईवर विद द रैपिड चेंजेस अकरिंग इन द वर्ल्ड टुडे। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अनुसंधान क्या है? एक रोबस्ट इकोसिस्टम ऑफ रिसर्च है। अर्थात अनुसंधान जो है क्या है? एक रोबस्ट इकोसिस्टम है। अनुसंधान एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है जो आज दुनिया में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ शायद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मोर इंपॉर्टेंट देन ईवर विद द रैपिड चेंज अकरिंग इन द वर्ल्ड टूडे। अर्थात पहले जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी अपेक्षा वर्तमान समय में जो परिवर्तन हो रहा है बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए जो ये रिसर्च है इसकी महत्ता बहुत ही अधिक बढ़ गई है। कुछ उदाहरण दिया गया, इन द रियल्म ऑफ क्लाइमेट चेंज, अर्थात जलवायु परिवर्तन में बहुत तेजी से चेंजेज हो रहे हैं। पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड मैनेजमेंट, अर्थात जनसांख्यिकी गतिशीलता और प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी या प्रिय विद्यार्थियों जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, या फिर एन एक्सपेंडिंग डिजिटल मार्केट प्लेस, अर्थात जो डिजिटल मार्केट प्लेस है, डिजिटल बाजार है, इस क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। एंड द राइज ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रिय विद्यार्थियों, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, अर्थात मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। जब बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों, तो इस तरह से इस तेजी से चेंज होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में जो अनुसंधान का महत्व, अनुसंधान का जो भूमिका है वो बहुत तेजी से अपने आप में बढ़ता जा रहा है। उसका उसकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि भारत को इन विषम क्षेत्रों में एक नेतृत्वकर्ता बनना है, ध्यान दीजिए, यदि भारत को इन विषम क्षेत्रों में एक नेतृत्वकर्ता बनना है, एक लीडर बनना है प्रिय विद्यार्थियों, तो और वास्तव में अपने विशाल प्रतिभा पूल को फिर से एक प्रमुख ज्ञान समाज बनने की क्षमता प्राप्त कराना है, तो आने वाले वर्षों और दशकों में, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोगों ने पहले भी चर्चा किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भारत को विश्व गुरु बनाने की शिक्षा है, अर्थात जो हमारा भारत है
वो क्या होगा, विश्व गुरु होगा, अर्थात विश्व का एक लीडर के रूप में उभरेगा। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि यदि भारत को इन विषम क्षेत्रों में एक लीडर बनाना है, एक नेतृत्वकर्ता बनाना है और वास्तव में अपने विशाल प्रतिभा पुल को फिर से एक प्रमुख ज्ञान समाज बनने की क्षमता प्राप्त कराना है, तो आने वाले वर्षों और दशकों में राष्ट्र को अपनी अनुसंधान क्षमताओं, संभावनाओं को सभी विषयों में उत्पादन के साथ एक महत्वपूर्ण विस्तार की आवश्यकता होगी। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, हम सभी लोग जो है बात कर रहे हैं इस समय मल्टीपल डिसिप्लिन्स की। प्रिय विद्यार्थियों, जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स है या जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं, जो विभिन्न प्रकार के डिसिप्लिन्स हैं, उन सभी डिसिप्लिन्स पे हमें बल देना होगा। कहा गया है कि यदि हमें विश्व गुरु बनना है, यदि हमें पूरे विश्व का लीडर बनना है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में बनकर उभरना है और साथ ही साथ हमारे देश में जो विशाल प्रतिभा का पुल है उसको प्रमुख ज्ञान और समाज में बनने की समाज बनने की क्षमता जो प्राप्त कराना है, इसके लिए आवश्यक है कि आने वाले वर्षों और दशकों में राष्ट्र को अपनी अनुसंधान क्षमताओं अर्थात जो रिसर्च की एबिलिटी है, रिसर्च की जो कैपेसिटी है, रिसर्च की जो कैपेबिलिटीज है, प्रिय विद्यार्थियों, उसको बढ़ाने पर बल देना होगा। राष्ट्र को अपनी अनुसंधान क्षमताओं, संभावनाओं को वो चाहे किसी भी विषय की बात हो, प्रिय विद्यार्थियों, किसी एक विशेष विषय में नहीं बल्कि सभी विषयों में, तो राष्ट्र को अपनी अनुसंधान क्षमताओं, संभावनाओं को सभी विषयों में उत्पादन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण विस्तार की आवश्यकता है, अर्थात सभी विषयों में शोध में, रिसर्च के क्षेत्र में एक विस्तार की आवश्यकता है। यदि हम अपने देश को, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, एक विश्व का एक नेतृत्व या लीडर के रूप में इसको जो है हम विकसित करना चाहते हैं, विश्व को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में हम अपने देश को विकसित करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि सभी विषयों में उत्पादन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण विस्तार की आवश्यकता है और उसमें हमें रिसर्च या अनुसंधान पर बल देना होगा। If India is to become a leader in these disparate areas and truly achieve the potential of its vast talent pool to again become a leading knowledge society in the coming years and decades, the nation will require a significant expansion of its research capabilities and outcome across disciplines. तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि हमें भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि भारत पहले से ही प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसको फिर से हमारे देश को, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। पुनः विश्व गुरु बनाने की नीति है, पुनः विश्व गुरु बनाने की योजना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो विषम क्षेत्र है, जो डिस्पेरेट एरियाज है, इन सभी डिस्पेरेट एरियाज में यदि भारत को लीडर बनना है, If India is to become a leader in these disparate areas and truly achieve the potential of its vast talent pool to again become a leading knowledge society in the coming years and decades, ध्यान दीजिए कि leading knowledge society यदि हमें बनाना है तो हमें क्या करना होगा, The nation will require a significant expansion of its research capabilities and output across disciplines. तो ध्यान दीजिए क्या करना होगा कि हमें जो हमारे पास रिसर्च है या अनुसंधान की जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उसमें महत्वपूर्ण विस्तार करना होगा। रिक्वायर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ इट्स रिसर्च कैपेबिलिटीज एंड आउटपुट्स अक्रॉस डिसिप्लिन, अर्थात सभी डिसिप्लिन्स में, सभी विषयों में जो अनुसंधान की क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, उन अनुसंधान की क्षमताओं या संभावनाओं में हमें विस्तार करना होगा, उसमें एक्सपेंशन देना होगा, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तभी जो हम विश्व को एक लीडरशिप या नेतृत्वकर्ता के रूप में एक नेतृत्व प्रदान हम कर सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और प्रौद्योगिकी विकास के लिए शोध का महत्व पहले से कहीं अधिक है। प्रिय विद्यार्थियों फिर देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च या शोध की बात है उसी को यहाँ पे फिर से इंगित किया गया है, उसी महत्व को फिर से यहाँ पे उजागर किया गया है कि किसी भी राष्ट्र के लिए, जो कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र, कोई भी नेशन हो, सभी के आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, आर्थिक,
बौद्धिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और प्रौद्योगिकी विकास के लिए शोध का महत्व पहले से कहीं अधिक है। ध्यान दीजिए, चाहे वो आर्थिक विकास की बात हो, चाहे बौद्धिक विकास की बात हो, चाहे सामाजिक विकास की बात हो, चाहे पर्यावरणीय या प्रौद्योगिकी विकास की बात हो, सभी प्रकार के विकासों में, सभी क्षेत्र के विकासों के लिए जो रिसर्च है, जो शोध है, प्रिय विद्यार्थियों, इस शोध की महत्ता अपने आप में ही बढ़ जाती है। Today, the criticality of research is more than ever before for the economic, intellectual, societal, environmental and टेक्नोलॉजिकल हेल्थ एंड प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आज के समय में, वर्तमान के समय में क्रिटिकलिटी ऑफ रिसर्च इज मोर देन ईवर बिफोर, अर्थात जो शोध का महत्व है वो पहले से कहीं अधिक हो गया है। क्रिटिकलिटी ऑफ रिसर्च इज मोर देन ईवर बिफोर फॉर द इकोनॉमिक, फॉर द इंटेलेक्चुअल, फॉर द सोसाइटल, फॉर द एनवायरमेंटल एंड फॉर द टेक्नोलॉजिकल हेल्थ एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, अर्थात चाहे हम सभी लोग आर्थिक क्षेत्र की बात करें, इकोनॉमिक क्षेत्र की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, चाहे हम सभी लोग जो है इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक क्षेत्र की बात करें, चाहे सोसाइटल या सामाजिक क्षेत्र की बात करें, इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय विकास की बात करें, या फिर टेक्नोलॉजिकल हेल्थ या प्रौद्योगिकी विकास की बात करें, सभी के लिए प्रिय विद्यार्थियों जो है वर्तमान समय में जो है, जो रिसर्च है, जो शोध है, इसकी महत्ता बहुत ही अधिक बढ़ गई है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस पक्ष के इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद, अब ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस पक्ष के इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भारत में वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8%, इसराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% की तुलना में जीडीपी का केवल 0.69% है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान समय में रिसर्च या शोध के क्षेत्र में हमारे देश में कितना खर्च किया जा रहा है, इसके बारे में कहा गया है। कहा गया कि जब रिसर्च या अनुसंधान या शोध हम सभी लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभारने के लिए जब इतना महत्वपूर्ण है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की बात हो, पर्यावरणीय क्षेत्र की बात हो या सामाजिक क्षेत्र की बात हो, सभी क्षेत्रों में विकास के लिए जब अनुसंधान या रिसर्च इतना महत्वपूर्ण है, तो इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी हमारे देश में रिसर्च या अनुसंधान या शोध के ऊपर बहुत कम खर्च किया जाता है। वो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कहा गया कि जीडीपी का केवल 0.69% खर्च किया जा रहा है, जबकि अन्य देशों की बात की जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8%, इसराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% जो है वहाँ के देश की जीडीपी का खर्च हो रहा है, जबकि हमारे देश में मात्र केवल 0.69% ही रिसर्च या शोध के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो यह एक अलार्मिंग बात है, ये एक चिंतनीय बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें इस क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में अपने बजट को भी बढ़ाना होगा। शोध के क्षेत्र में जो जीडीपी का 0.69% वर्तमान समय में खर्च किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, इसको और भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। Despite the critical importance of research, the research and innovation investment in India is at the current time only 0.69% of GDP as compared to 2.8% in the United States of America, 4.3% in the Israel and 4.2% in the South Korea. तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि भले से ही जो रिसर्च है इसकी महत्ता बहुत ही अधिक है, फिर भी हमारे देश में रिसर्च के इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ जीडीपी का 0.69% ही खर्च किया जा रहा है। डिस्पाइट द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, द रिसर्च एंड इनोवेशंस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज एट द करेंट टाइम ओनली 0.69%, जबकि अन्य देशों की बात किया जाए तो 2.8% इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 4.3% इन इसराइल एंड 4.2% इन साउथ कोरिया, अन्य देशों में इतना अधिक खर्च किया जाता है जीडीपी का। तो यह आवश्यकता है कि हमारे देश में भी रिसर्च के क्षेत्र में, इनोवेशंस के क्षेत्र में प्रिय विद्यार्थियों, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाए, जो वर्तमान समय में जीडीपी का 0.69% है, इसको और भी अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
आगे कहा गया कि आज भारत को सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, जैसे कि अपने सभी नागरिकों के लिए पीने के पानी की स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेहतर परिवहन गुणवत्ता, वायु, बिजली और बुनियादी चीजों की पहुंच आदि। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे जो हमारे देश के सामने में जो चैलेंज है, प्रिय विद्यार्थियों, जो सामाजिक चुनौतियां हैं, उस सामाजिक चुनौतियों को भी उजागर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए पीने की पानी की स्वच्छता अर्थात स्वच्छ पानी को उपलब्ध कराना एक चैलेंज है, एक चुनौती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना एक चैलेंज या चुनौती है। स्वास्थ्य सेवा, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना जो है बहुत बड़ी चुनौती है। साथ साथ बेहतर परिवहन व्यवस्था या गुणवत्तापूर्ण वायु, बिजली और बुनियादी चीज़ों की पहुंच आज जो है हमारे देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ कहा गया कि इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और समाधानात्मक रवैये और क्रियान्वयन की जरूरत होगी, जो न केवल शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित हो बल्कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी तथा राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों की गहरी समझ पर भी आधारित हो। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, फिर से आगे कहा गया कि जब हमारे देश के सामने इतनी ढेर सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेज हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, तो इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और समाधानात्मक रवैये और क्रियान्वयन की जरूरत होगी। अर्थात इन चैलेंजेज को, इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है कि हमारा जो अप्रोच है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो क्या हो, एक व्यापक दृष्टिकोण हो और साथ ही साथ समाधानात्मक रवैया भी हो, और इसके क्रियान्वयन की जरूरत होगी, जो न केवल शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। तो सबसे पहली बात क्या है कि किस पर आधारित हो, जो विज्ञान है प्रिय विद्यार्थियों, उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित हो, और साथ ही साथ बल्कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी तथा राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक, संस्कृति और पर्यावरणीय आयामों की गहरी समझ पर भी आधारित हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो रिसर्च या शोध की बात की जा रही है, वो रिसर्च या शोध के बाद सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की नहीं बात की जा रही है, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा ही जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उस क्षेत्र की भी बात की गई, मानविकी की बात की गई, राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों के गहरी समझ पर आधारित होने के लिए कहा गया। अर्थात इन सभी क्षेत्रों में रिसर्च या शोध को, अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द सोसाइटल challenges that India needs to address today, such as access for all its citizens to clean drinking water and sanitation, quality education and health care, improved transportation, air quality, energy and infrastructure. प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे देश के सामने जो societal challenges है, उसमें कुछ challenges बताए गए, जैसे कि access for all its citizens to clean drinking water and sanitation, अर्थात जो शुद्ध पानी, प्रिय विद्यार्थियों, जो शुद्ध पानी की आवश्यकता है, तो शुद्ध पीने की पानी की आवश्यकता और स्वच्छता की आवश्यकता जो है वो हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए है। क्वालिटी एजुकेशन या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। एक बेहतर हेल्थ केयर या बेहतर स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन या बेहतर परिवहन गुणवत्ता की आवश्यकता है। एयर क्वालिटी, नर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात गुणवत्तापूर्वक जो है हवा या वायु की आवश्यकता, बिजली और बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है। इसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विल रिक्वायर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोचेज एंड सॉल्यूशंस दैट आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड बाय अ टॉप नॉच साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट आर आल्सो रूटेड इन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एंड द वेरियस सोशियो कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ द नेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जितनी भी जो हमारी बेसिक नीड्स हैं या जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है या जो भी चैलेंजेज हमारे देश के सामने हैं,
इसके लिए कहा गया है कि दैट विल रिक्वायर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोचेज एंड सोल्यूशन। इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों हमें व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता होगी, दैट आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड बाय टॉप नोच साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात जो शीर्ष क्रम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी हैं सिर्फ उन्हीं पर आधारित नहीं होगा, बट आर आल्सो रूटेड इन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल साइंस, अर्थात जो हमारा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है उस क्षेत्र में जो हमें गहन नॉलेज रखना होगा, ह्यूमैनिटीज या मानविकी के क्षेत्र में, साथ साथ वेरियस सोशियो कल्चरल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ द नेशन, अर्थात हमारे राष्ट्र के जो विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयाम है, इन सभी क्षेत्रों में गहरी समझ की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों डीप अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, और ये डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, रिसर्च या अनुसंधान या शोध के द्वारा ही डीप अंडरस्टैंडिंग या गहरी समझ आ सकती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने और इनके समाधान खोजने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर स्तरीय अंतर विषयक अनुसंधान करने की स्वयं की क्षमता का होना महत्वपूर्ण होगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहां पे किस चीज की बात की जा रही है, बात की जा रही है अंतर विषयक अनुसंधान, अंतर विषयक अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात की जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों कहा गया कि जो भी हमारे देश के सामने चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना करने और इनके समाधान खोजने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर स्तरीय अंतर विषयक अनुसंधान करने की स्वयं की क्षमता का होना महत्वपूर्ण होगा, अर्थात हाई क्वालिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पर हमें बल देना है। हाई क्वालिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ही विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों स्वयं के शोध करने की क्षमता किसी देश को अत्यधिक आसानी से अन्य देशों से अनुसंधान को आयात करने और उनमें से अनुकूल शोध को अपनाने के योग्य बनाता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कहा गया है कि स्वयं के शोध करने की क्षमता किसी देश को अत्यधिक आसानी से अन्य देशों से अनुसंधान को आयात करने और उनमें से अनुकूल शोध को अपनाने के योग्य बनाता है, अर्थात हमारे देश में स्वयं से शोध को करने की क्षमता को विकसित करना होगा। जब हमारे देश में स्वयं के शोध करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, इसकी जो कैपेसिटी विकसित हो जाएगी, तो जो है किसी देश के अत्यधिक आसानी से अन्य देशों से अनुसंधान को आयात किया जा सकता है और उसमें से जो अनुकूल शोध है उसको भी हम अपना सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें अपने देश में रिसर्च या शोध की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर बल देना होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फेसिंग एंड एड्रेसिंग दी चैलेंजेस विल रिक्वायर हाई क्वालिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च अक्रॉस फील्ड्स दैट मस्ट बी डन इन इंडिया एंड कैन नॉट सिंपली बी imported. The ability to conduct one's own research also enables a country to much more easily import and adapt relevant research from abroad. तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कहा गया कि facing and addressing these challenges will require high quality interdisciplinary research across fields. तो प्रिय विद्यार्थियों across field अर्थात सभी विषयों में जो अंतर विषय या interdisciplinary की बात की जा रही है, तो interdisciplinary research पर हमें बल देना होगा, quality interdisciplinary research पर बल देना होगा। तो high quality interdisciplinary research across fields that must be done in India, अर्थात हमारे देश में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में, भारत में हाई क्वालिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पर बल देना होगा। एंड कैन नॉट सिंपली बी इम्पोर्टेड, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे आयात नहीं कर सकते, बल्कि द एबिलिटी टू कंडक्ट वन्स ओन रिसर्च आल्सो इनेबल्स अ कंट्री टू मच मोर इजली इम्पोर्ट एंड एडॉप्ट रिलेवेंट रिसर्च फ्रॉम एब्रोड। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने देश में एबिलिटी टू कंडक्ट वन्स ओन रिसर्च, इसको इस एबिलिटी इस क्षमता को अर्थात स्वयं से अनुसंधान करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है प्रिय विद्यार्थियों की, स्वयं के शोध करने की क्षमता को विस्तृत करना होगा, इसको विस्तार करना होगा, इसकी जो क्षमता है इसको बढ़ानी होगी। और जब हम स्वयं से स्वयं के शोध करने की क्षमता को विकसित कर लेंगे, तभी हम जो है विदेशों के या दूसरे देशों के जो भी शोध हो रहे हैं उसको हम आसानी से इम्पोर्ट कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी रिलेवेंट रिसर्च है, अनुकूल शोध है प्रिय विद्यार्थियों, उसको भी हम लोग विदेशों के अनुकूल शोध या रिलेवेंट रिसर्च को अपना सकते हैं, हम अपने देश के में उसका प्रयोग कर सकते हैं, उस क्षेत्र में अनुसंधान कर सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं के हल निकालने के लिहाज से मूल्यवान होने के साथ साथ किसी देश की पहचान उसकी प्रगति, आध्यात्मिक और बौद्धिक संतुष्टि और रचनात्मकता को भी उसके इतिहास, भाषा, कला और संस्कृति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऊपर हम लोगों ने बात किया रिसर्च या अनुसंधान पे कि हमें स्वयं की जो क्षमता है अनुसंधान की उसको बढ़ावा देना होगा, उसकी क्षमता को बढ़ाना होगा। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि इस सामाजिक समस्याओं के हल निकालने के लिहाज से मूल्यवान होने के साथ साथ ही किसी देश की पहचान उसकी प्रगत आध्यात्मिक और बौद्धिक संतुष्ट और रचनात्मकता को भी इसके इतिहास, भाषा, कला और संस्कृति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसी क्षेत्र में कहा गया है कि जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं का हल निकालने के लिए हज से यह मूल्यवान है कि हमें अपने देश की पहचान, उसकी प्रगत आध्यात्मिक और बौद्धिक संतुष्टि और रचनात्मकता को, जो हमारे देश का इतिहास है, जो हमारा गौरव है, या हमारे देश की जो भाषा है, कला है या संस्कृत है, इसके माध्यम से भी विभिन्न सामाजिक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। फर्दर मोर, इन एडिशन टू देयर वैल्यू इन सॉल्यूशंस टू सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एनी कंट्रीज आइडेंटिटी अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएटिविटी इज आल्सो अटेंड इन अ मेजर वे थ्रू इट्स हिस्ट्री, आर्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हल या इन समस्याओं, इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों जरूरी है कि जो हमारा मेजर वे थ्रू इट्स हिस्ट्री, जो हमारा हिस्ट्री, इतिहास है, जो आर्ट है, जो लैंग्वेज या कल्चर है, उसके द्वारा भी हम जो है इन सामाजिक समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। इन एडिशन टू देयर वैल्यू इन सॉल्यूशन टू सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एनी कंट्रीज आइडेंटिटी, अर्थात किसी भी देश की जो पहचान है, एनी कंट्रीज आइडेंटिटी अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएटिविटी इज आल्सो अटेंड इन ए मेजर वे थ्रू इट्स हिस्ट्री, आर्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर, अर्थात उसकी प्रगत आध्यात्मिक और बौद्धिक संतुष्टि और रचनात्मकता जो है वो उस देश के इतिहास, उसकी भाषा, उसकी कला और संस्कृति के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नवाचारों के साथ साथ कला और मानविकी के क्षेत्रों में अनुसंधान किसी देश की प्रगति और प्रबुद्धता हेतु अति महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, जब ये बात कही जा रही है कि किसी भी देश की प्रगति, आध्यात्मिक और बौद्धिक संतुष्टि और रचनात्मकता के लिए उस देश का जो इतिहास है, भाषा है, कला है या संस्कृति, उसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इन क्षेत्रों पर बल दिया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि इसीलिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार के साथ साथ कला और मानविकी के क्षेत्रों में भी अनुसंधान को हमें बढ़ावा देना होगा, अनुसंधान पर बल देना होगा, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में अनुसंधान किसी देश की प्रगति और प्रबुद्धता हेतु अति महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी पर बल नहीं है, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, या प्रिय विद्यार्थियों जो कला या आर्ट्स है, जो ह्यूमैनिटीज या मानविकी है, सभी क्षेत्रों पर बल दिया गया है और कहा गया कि रिसर्च इन द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज अलोंग विद इनोवेशंस इन द साइंसेज एंड सोशल साइंसेज आर देयरफॉर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस एंड इनलाइटेंड नेचर ऑफ द नेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इनलाइटेंड नेचर ऑफ द नेशन, प्रोग्रेस ऑफ द नेशन की बात हम लोग कर रहे हैं कि अपने देश की या किसी भी देश की प्रगति और प्रबुद्धता हेतु जो महत्वपूर्ण है साइंस, जितना महत्वपूर्ण साइंस और टेक्नोलॉजी है, उतना ही महत्वपूर्ण प्रिय विद्यार्थियों जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस भी है, ह्यूमैनिटीज भी है, आर्ट्स भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, रिसर्च इन द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज अलोंग विद द इनोवेशंस इन द साइंस एंड सोशल साइंस आर देयरफॉर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट नेचर ऑफ द नेशन, अर्थात किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी देश की प्रबुद्धता के लिए उस देश के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों उस देश का जो सामाजिक विज्ञान है, उस देश की जो कला है, उस देश की जो मानविकी है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में भी हमें रिसर्च या अनुसंधान या शोध पर बल देना होगा। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
भारत में शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है या अनुसंधान और नवाचार है, इसकी बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंस है, महत्व है। और जो रिसर्च और इनोवेशन से प्रिय विद्यार्थियों, स्पेशली ये जो है हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा से जुड़ा हुआ है। रिसर्च एंड इनोवेशन एट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया पार्टिकुलरली दोज दैट आर एंगेज्ड इन हायर एजुकेशन इज अ क्रिटिकल, अर्थात जो हायर एजुकेशन है उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से वे जो है अनुसंधान और नवाचार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिसर्च एंड इनोवेशन एट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया पार्टिकुलरली दोज आर एंगेज्ड इन हायर एजुकेशन इज क्रिटिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्रिटिकल है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूरे इतिहास में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से मिलने वाले साक्ष्यों से पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा के स्तर पर सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाएं उस वातावरण में होती हैं जहां अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति रही है, और इसके साथ ही दुनिया के श्रेष्ठ अनुसंधान बहुविषयी विश्वविद्यालयों में हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अब यहां पे रिसर्च के बारे में, अनुसंधान के बारे में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है, वो कहा गया है कि हम पूरे इतिहास में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से मिलने वाले साक्ष्यों से पता चलता था, जो पूरे विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहे प्रिय विद्यार्थियों, जो वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज रही हैं, उनके यहाँ से जो प्रमाण मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों से यह पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा के स्तर पर सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाएं उस वातावरण में होती हैं जहां अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति रहे। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति की बात की जा रही है, अर्थात बेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, और साथ ही साथ जो रिसर्च की बात है उसके लिए भी जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, या जो कल्चर है वहाँ की, उसकी बात की जा रही है कि जहाँ अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति रही है, वहीं पर जो है दुनिया के श्रेष्ठ रिसर्च या अनुसंधान के कार्य हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय वही हुए हैं। तो इसके साथ ही दुनिया के जो श्रेष्ठ अनुसंधान है वो कहाँ हुए हैं, बहुविषयी विश्वविद्यालय में हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो बहुविषयी विश्वविद्यालय हैं या जिसको हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज करते हैं, तो दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जो रिसर्च हुए हैं, जो उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त किया है, वो ऐसे वातावरण से प्राप्त किया है जहाँ पर शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं पर बहुत ही अधिक जोर है, और साथ ही साथ जहाँ अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति रही है, और साथ ही साथ जो कि बहुविषयी विश्वविद्यालय हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने देश में एक तो बहुविषयी विश्वविद्यालय पर जोर देना होगा, और साथ ही साथ विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में या शोध संस्थानों में अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति का विकास करना होगा। एविडेंस फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट हिस्ट्री शोज दैट द बेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एट द हायर एजुकेशन लेवल अकोर्स इन एनवायरमेंट्स वेयर देयर इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन। Conversely, much of the very best research in the world has occurred in the multidisciplinary university setting. तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो भी दुनिया भर में evidence मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों से पता चलता है कि the world's best university throughout history shows that the best teaching and learning process at the higher education level occurs in the environment where there is also a strong culture of research and knowledge. अर्थात वही विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हुए हैं जहाँ पे अनुसंधान, रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन के लिए प्रिय विद्यार्थियों स्ट्रॉन्ग कल्चर है, अर्थात प्रिय विद्यार्थियों अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति रही है। साथ ही साथ मच ऑफ द वेरी बेस्ट रिसर्च इन द वर्ल्ड हैज अकर्ड इन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी सेटिंग। जो दुनिया भर के श्रेष्ठ अनुसंधान हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, वे बहुविषयी विश्वविद्यालयों में हुए हैं। तो इस तरह से हमें बहुविषयी विश्वविद्यालय या मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी सेटिंग्स पे बल देना है, और साथ ही साथ विश्वविद्यालयों में स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन पर बल देना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में
विज्ञान और गणित से लेकर कला, साहित्य, स्वर विज्ञान और भाषा से लेकर चिकित्सा और कृषि तक के विषयों में अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन इन डिसिप्लिन रेंजिंग फ्रॉम साइंस एंड मैथमेटिक्स टू आर्ट एंड लिटरेचर टू फोनेटिक्स एंड लैंग्वेजेस टू मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो हमारे देश की एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है, जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस रहा है, उसके बारे में भी चर्चा किया गया है और कहा गया कि हमारे देश में विज्ञान और गणित से लेकर के कला, साहित्य, स्वर विज्ञान और भाषा से लेकर के चिकित्सा और कृषि तक के क्षेत्रों में, कृषि तक के विषयों में अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है और उसी परंपरा को फिर से प्रिय विद्यार्थियों पुनर्जीवित करना है, आगे बढ़ाना है। इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन इन डिसिप्लिन्स रेंजिंग फ्रॉम साइंस एंड मैथमेटिक्स टू आर्ट एंड कल्चर। अर्थात चाहे साइंस की बात हो, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, या आर्ट और कल्चर की बात हो, या फोनेटिक्स एंड लैंग्वेज की बात हो, या मेडिसिन और एग्रीकल्चर की बात हो, हमारे देश की एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस रही है नॉलेज क्रिएशन और शोध या अनुसंधान के लिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब समय की मांग है कि भारत जल्द से जल्द एक मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज के रूप में अपनी खोई हुई स्थिति को शीघ्र ही पुनः प्राप्त करे। प्रिय विद्यार्थियों, फिर से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे देश को विश्वगुरु बनाना है, पुनः विश्वगुरु बनाना है, और उसी चीज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि अब समय की मांग है, चूंकि हमें पुनः जो अपने देश को विश्वगुरु बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, तो अब समय की मांग है कि भारत जल्द से जल्द एक मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज के रूप में अपनी खोई हुई स्थिति को शीघ्र पुनः प्राप्त करे। और खोई हुई स्थिति को शीघ्र ही पुनः प्राप्त करने के लिए हमें जो क्वालिटेटिव रिसर्च और नॉलेज क्रिएशन एनवायरमेंट, नॉलेज क्रिएशन सिचुएशन पर बल देना होगा। आगे कहा गया प्रिय विद्यार्थियों कि और मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज तथा दुनिया के तीन सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में 21वीं सदी में अनुसंधान और नवाचार का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहे। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि हमारे देश में जो मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज की जो खोई हुई उसकी स्थिति, उसको शीघ्र पुनः प्राप्त करने के लिए और साथ साथ मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज की स्थापना करने के लिए, साथ साथ जो दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में 21वीं सदी में जो है अनुसंधान और नवाचार के रूप में नेतृत्व करने के लिए और दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक के रूप में स्थापित होने के लिए, मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज की स्थापना करने के लिए हमें रिसर्च पर बल देना होगा, रिसर्च और नॉलेज क्रिएशन पर बल देना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज तथा दुनिया के तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में विकसित करने के लिए और साथ ही साथ 21वीं सदी में अनुसंधान और नवाचार का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहना होगा और इसकी तैयारी के लिए जरूरी है कि रिसर्च पर बल दिया जाए। दिस नीड्स टू बी फर्दर मोर स्ट्रेंथेंड टू मेक इंडिया लीड रिसर्च एंड इनोवेशंस इन द 21st सेंचुरी। अर्थात हमारे देश को रिसर्च और इनोवेशंस को के क्षेत्र में लीडर बनाने की आवश्यकता है, पुनः से नेतृत्वकर्ता या पुनः लीडर बनाने की आवश्यकता है। एज स्ट्रॉन्ग एंड इनलाइटेड नॉलेज एंड सोसाइटी एंड वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अर्थात विश्व में जो तीन जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, तीन जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं प्रिय विद्यार्थियों, उसमें से एक के रूप में हमें अपने देश को विकसित करना है और इसके लिए आवश्यक होगा कि रिसर्च पर बल दिया जाए, रिसर्च और नॉलेज क्रिएशन पर विश्वविद्यालयों में या शिक्षण जो अनुसंधान संस्थाएं हैं वहां पर बल दिया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आगे कहा गया कि अतः यह नीति भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता और उनकी मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करती है। Thus, this policy envisions a comprehensive approach to transforming the quality and quantity of research in India. तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे पहले तो जो रिसर्च या अनुसंधान का महत्व है उसके बारे में चर्चा किया और उन सभी के बारे में चर्चा करने के उपरांत, उन महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करने के उपरांत कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता और उसकी मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करती है। अर्थात एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ हमारे देश में जो रिसर्च हो रहा है, जो शोध हो रहे हैं, उसमें गुणवत्ता और उसकी मात्रा में
चेंज लाने का प्रयास किया जाएगा. दस दिस पॉलिसी इनविजन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, व्यापक दृष्टिकोण या कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू ट्रांसफॉर्मिंग द क्वालिटी इन क्वांटिटी ऑफ रिसर्च इन इंडिया. अर्थात हमारे देश में जो रिसर्च की जो क्वालिटी और साथ साथ जो रिसर्च के क्षेत्र में जो क्वांटिटी ऑफ रिसर्च है और क्वालिटी ऑफ रिसर्च है, दोनों में परिवर्तन करने पर बल देना होगा. दोनों पे को ट्रांसफॉर्म करने या बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दृष्टिकोण अपनाया गया है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किए गए हैं. विद्यार्थी, इसमें कहा गया कि नीति में स्कूली शिक्षा में निश्चित बदलाव शामिल है, जैसे सीखने की खोज और खोज आधारित शैली, वैज्ञानिक पद्धति और तार्किक चिंतन पर बल इनमें प्रमुख रूप से शामिल है. विद्यार्थी ध्यान दीजिए कि दिस इंक्लूड्स डेफिनेटिव शिफ्ट इन स्कूल एजुकेशन टू अ मोर प्ले एंड डिस्कवरी बेस्ड स्टाइल ऑफ लर्निंग विथ एम्फेसिस ऑन द साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो विद्यार्थियों, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे देश में एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता है, तो उसी व्यापक दृष्टिकोण में सबसे पहले विद्यालयी शिक्षा, स्कूली शिक्षा की बात की गई और कहा गया कि नीति में स्कूली शिक्षा में निश्चित बदलाव शामिल है, जैसे सीखने के लिए खोज और खोज आधारित शैली पर बल देना होगा. विद्यार्थियों, दिस इंक्लूड्स डेफिनेटिव शिफ्ट्स इन स्कूल एजुकेशन टू अ मोर प्ले एंड डिस्कवरी बेस्ड स्टाइल ऑफ लर्निंग. अर्थात जो खोज और खोज आधारित शैली है या प्ले एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग स्टाइल्स है, उस पर बल देना होगा और साथ साथ सीखने के या पढ़ने के अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देना होगा और तार्किक चिंतन पर भी बल देना होगा विथ एम्फेसिस ऑन द साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक पद्धति और क्रिटिकल थिंकिंग या फिर विद्यार्थियों तार्किक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन पर भी बल देने की आवश्यकता है. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. छात्र हितों और प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए स्कूलों में कैरियर परामर्श, उच्चतर शिक्षा का संस्थागत पुनर्गठन जो विद्यार्थियों में अनुसंधान को बढ़ावा दे, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में बहुविषयी और समग्र शिक्षा पर बल, और विद्यार्थियों इन ये बातें हैं जो कि हमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा लागू करनी है. जैसे छात्र हितों और प्रतिभाओं को पहचान करने के लिए स्कूलों में कैरियर परामर्श या कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो कैरियर परामर्श की सुविधा को वहाँ विद्यालयों में जो है वहाँ पे ये सुविधाएं प्रदान की जाए, इसकी सुविधा होनी चाहिए. साथ साथ उच्चतर शिक्षा का संस्थागत पुनर्गठन करने पर बल देना होगा जो विद्यार्थियों में अनुसंधान को बढ़ावा दे, साथ साथ सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में बहुविषयी और समग्र शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है, और इसी के साथ साथ स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसंधान और इंटर्नशिप का समावेश. ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, अब जो है जो रिसर्च जो ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन का जो कोर्स है प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें अनुसंधान और इंटर्नशिप का समावेश होगा. प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पहले भी चर्चा किया है कि रिसर्च के साथ जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, 4 ईयर्स ग्रेजुएशन होगा, जिसमें अनुसंधान और इंटर्नशिप का भी समावेश होगा. साथ साथ संकाय कैरियर प्रबंधन प्रणाली जो अनुसंधान पर समुचित बल दे, प्रशासनिक और विनियामक परिवर्तन जो शिक्षकों और संस्थागत स्वायत्तता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले हों. अर्थात ऐसे प्रशासनिक और विनियामक परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके द्वारा जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन शिक्षकों और संस्था की स्वायत्तता पर बल मिले. अर्थात संस्था को और शिक्षकों को ऑटोनोमसिटी मिले, स्वायत्तता मिले, और साथ साथ उनको नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. इस तरह का प्रशासनिक और विनियामक परिवर्तन करने पर बल दिया जाएगा. दिस इंक्लूड्स कैरियर काउंसलिंग इन स्कूल्स टुवार्ड्स आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स. विद्यार्थियों, कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता है विश्वविद्यालयों में, स्कूल्स में, जिससे कि जो छात्र का इंटरेस्ट है, रुचि और टैलेंट है, उसको उसकी पहचान की जा सके, उसका पता लगाया जा सके. साथ ही प्रमोटिंग रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड द एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक एजुकेशन. तो विश्वविद्यालयों में रिसर्च या अनुसंधान पर बढ़ावा देना होगा, साथ ही साथ जो बहुविषय के मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर से विद्यार्थियों उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में, उस पर भी बल देना होगा. और साथ ही साथ जो होलिस्टिक एजुकेशन या समग्र शिक्षा की बात की जा रही है, उस समग्र शिक्षा पर भी बल देना होगा. द इंक्लूजन ऑफ रिसर्च एंड इंटर्नशिप इन द अंडर ग्रेजुएट करिकुलम. और ध्यान दीजिए, जो बड़ी बात है वो क्या है कि जो
अंडर ग्रेजुएट करिकुलम है या जो स्नातक की शिक्षा स्नातक का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में रिसर्च और इंटर्नशिप पर भी बल दिया जाएगा, अर्थात उस पाठ्यक्रम में रिसर्च और इंटर्नशिप को जोड़ा जाएगा। फैकल्टी कैरियर मैनेजमेंट सिस्टम दैट गिव ड्यू वेटेज टू रिसर्च, फैकल्टी कैरियर मैनेजमेंट पर बल देना है अपने विद्यार्थियों के, आने वाले समय में फैकल्टी कैरियर मैनेजमेंट सिस्टम पर बल दिया जाएगा। दैट गिव ड्यू वेटेज टू रिसर्च एंड द गवर्नेंस एंड रेगुलरली चेंज दैट इनकरेज एन एनवायरमेंट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, एनवायरमेंट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन को इनकरेज करने पर बल दिया जाएगा और ऐसे गवर्नेंस और रेगुलेटरी चेंजेस किए जाएंगे जिसके द्वारा जो है एनवायरमेंट ऑफ रिसर्च और इनोवेशन पर बल दिया जाए, उसकी स्थापना की जा सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऊपर बताए सभी पहलू देश में एक शोध मानसिकता को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात अभी तक हम लोगों ने जिन पहलुओं के बारे में चर्चा की, जिन योजनाओं या जिन उपायों के बारे में चर्चा की, वो कहा गया कि वो जितने भी पहलू हैं वे सभी पहलू जो है हमारे देश में शोध की मानसिकता को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग अ रिसर्च माइंडसेट इन कंट्री, अर्थात हमारे देश में शोध की मानसिकता को मजबूत करने के लिए ऊपर जितने उपायों की चर्चा हम लोगों ने अभी तक किया वे सभी उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे कहा गया कि इन विभिन्न तत्वों पर सहक्रियात्मक तरीके से कार्य करने के लिए यह नीति एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या NRF की स्थापना को प्रस्तावित करती है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, अब क्या बात आई, यहाँ पे बात आ गई कि विभिन्न तत्वों पर सहक्रियात्मक तरीके से कार्य करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या NRF की स्थापना को प्रस्तावित करती है, अर्थात आने वाले समय में प्रिय विद्यार्थियों राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या NRF की स्थापना होगी जिससे राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सही रूप में विकसित और उत्प्रेरित किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों टू बिल्ड ऑन दीज वेरियस एलिमेंट्स इन सिनर्जिस्टिक मैनर्स एंड टू देयर बाय ट्रूली ग्रो एंड कैटलाइज क्वालिटी रिसर्च इन द नेशन दिस पॉलिसी इनविजन्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को सही रूप में विकसित और उत्प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या NRF की स्थापना की जाएगी। और विद्यार्थियों कहा गया कि टू बिल्ड ऑन दीज वेरियस एलिमेंट्स इन ए सिनर्जिस्टिक मैनर एंड टू देयर बाय ट्रूली ग्रो द कैटलाइजिंग क्वालिटी रिसर्च इन द नेशन, अर्थात हमारे देश में क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है यह जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या NRF की स्थापना पर बल देती है, NRF की स्थापना को प्रस्तावित करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो एक महत्वपूर्ण जो नई बात है, जो विशेषता है, वो क्या है कि हमारे देश में अब जो है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, NRF का व्यापक लक्ष्य हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जिस NRF या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी उसके बारे में कहा गया कि इसका जो उद्देश्य होगा, इसका जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा, विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना ही इसका लक्ष्य होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, तो ओवरराइचिंग goal of the NRF will be to enable a culture of research to permeate through our universities. तो विद्यार्थियों, इस तरह से जो NRF है, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसका जो व्यापक लक्ष्य है वो है हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना, अर्थात overarching goal of the NRF will be to enable a culture of research to permeate through our universities, अर्थात एक culture of research की स्थापना करना होगा, एक culture of research को बढ़ावा देना या शोध की संस्कृति को सक्षम बनाने का लक्ष्य जो होगा वो NRF का या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का होगा। प्रिय विद्यार्थियों, विशेष रूप से NRF योग्यता आधारित एवं पीयर रिव्यू पर आधारित शोध निधि का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा जो उत्कृष्ट शोध के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन के माध्यम से देश में अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने में मदद करेगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अब बात आ रही कि जो NRF क्या काम करेगा, तो NRF के लिए कहा गया कि विशेष रूप से जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है NRF है, NRF योग्यता आधारित एवं पीयर रिव्यू पर आधारित, ध्यान दीजिए,
दो चीजें, एक तो योग्यता आधारित तो दूसरा पीयर रिव्यू पर आधारित शोध निधि का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा। अर्थात जो शोध निधि पर विद्यार्थियों या जिसको हम लोग रिसर्च फंड कहते हैं, तो रिसर्च फंडिंग के लिए क्या करेगा, एक रिलायबल या विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा जो उत्कृष्ट शोध के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन के माध्यम से देश में अनुसंधान की संस्कृति को विधि अनुसंधान की संस्कृति के विकसित करने में मदद करेगा। तो फिर विद्यार्थियों इस तरह से जो NRF होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, वह योग्यता आधारित और पीयर रिव्यू पर आधारित शोध नीति का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करने का कार्य करेगा और साथ साथ उत्कृष्ट शोध के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन का भी कार्य उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करने का भी कार्य करेगा। तो उपयुक्त प्रोत्साहन के माध्यम से देश में अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करने का, देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य NRF का होगा। प्रिय विद्यार्थियों, राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अनुसंधान को स्थापित करने साथ इन्हें विकसित करने का कार्य करेगा जहां अनुसंधान संभावनाएं वर्तमान में सीमित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है या NRF है, प्रिय विद्यार्थियों NRF का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा कि वह जो राज्य विश्वविद्यालय अर्थात जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और साथ साथ जो अन्य सार्वजनिक संस्थान है जहाँ पर अनुसंधान जो है अभी इसकी संभावनाएं बहुत ही अधिक हैं, अनुसंधान को स्थापित करने और उन्हें विकसित करने का कार्य करेगा जहां अनुसंधान की संभावनाएं वर्तमान में सीमित है। अर्थात ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे राज्य विश्वविद्यालय और सार्वजनिक संस्थान जहां रिसर्च के फील्ड में अभी बहुत अधिक कार्य नहीं हो रहा है, जहां रिसर्च की संभावनाएं जो हैं वर्तमान में सीमित हैं लेकिन भविष्य में ढेर सारी संभावनाएं हैं, ऐसे राज्य विश्वविद्यालय और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में यह अनुसंधान को बढ़ावा देने का कार्य, अनुसंधान को स्थापित करने का कार्य नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। इन पार्टिकुलर द NRF विल प्रोवाइड अ रिलायबल बेस ऑफ मेरिट बेस्ड बट इक्विटेबल पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग हेल्पिंग टू डेवलप अ कल्चर ऑफ रिसर्च इन द कंट्री थ्रू सुटेबल इंसेंटिव्स फॉर एंड रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसर्च। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, जो NRF वो क्या है, एक रिलायबल बेस का कार्य करेगा, एक जो है एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा और क्या होगा, मेरिट बेस्ड और साथ ही साथ पीयर रिव्यू बेस्ड होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरिट बेस्ड अर्थात योग्यता आधारित और पीयर रिव्यू पर आधारित शोध निधि का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा, रिसर्च फंडिंग का एक रिलायबल बेस प्रदान करेगा और साथ साथ हेल्पिंग टू डेवलप अ कल्चर ऑफ रिसर्च इन द कंट्री थ्रू सुटेबल इंसेंटिव्स फॉर एंड रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसर्च। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, उत्कृष्ट शोध के लिए, आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों देश में अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करने के लिए डेवलप कल्चर ऑफ रिसर्च इन द कंट्री थ्रू सुटेबल इंसेंटिव्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसर्च। अर्थात देश में अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करने में जो NRF है वो मदद करेगा साथ साथ, एंड बाई अंडरटेकिंग मेजर इनिशिएटिव टू सीड एंड ग्रो रिसर्च एट स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन वेयर रिसर्च कैपेबिलिटी इज करेंटली लिमिटेड। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ रिसर्च की कैपेबिलिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर साथ ही साथ जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर रिसर्च की यूनिवर्सिटी वर्तमान में बहुत ही लिमिटेड है, तो वहाँ पे अनुसंधान को स्थापित करने के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने का कार्य भी NRF के द्वारा किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, NRF प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सभी बहुविषयकों में अनुसंधान को फंड देगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो NRF है ये फंडिंग का भी कार्य करेगा, ये फंड देने का भी कार्य करेगा। द NRF विल कंप्लीटली फंड रिसर्च इन ऑल डिसिप्लिन। अर्थात जितने भी विषय हैं, जितने भी डिसिप्लिन हैं, सभी विषयों में, बहुविषयकों में फंड देने का कार्य NRF का होगा। NRF जो है कंपिटिटिवली फंड अर्थात प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सभी विषयों में रिसर्च या अनुसंधान के लिए फंड देने का कार्य करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सफल अनुसंधानों को मान्यता दी जाएगी और प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों के साथ साथ उद्योग और निजी परोपकारी संगठनों के साथ
घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि जो सफल अनुसंधान है उनको मान्यता दी जाएगी, सक्सेसफुल रिसर्च होंगे दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, और साथ ही साथ प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों के साथ साथ इंडस्ट्रीज के साथ, उद्योगों के साथ और निजी और परोपकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध के को जो है भी घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से इससे कार्यान्वित किया जाएगा। अर्थात सक्सेसफुल रिसर्च विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड फेयर रिलेवेंट सब इम्प्लीमेंटेड थ्रू क्लोज लिंकेजेस विद गवर्नमेंटल एजेंसीज एज वेल एज विद इंडस्ट्री एंड प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस। ध्यान दीजिए कि जो सक्सेसफुल रिसर्च होंगे वे रिकॉग्नाइज्ड होंगे, अर्थात जो सफल अनुसंधान है उनको मान्यता दी जाएगी, और साथ साथ जो प्रासंगिक सरकारी एजेंसीज हैं वे रिलेवेंट इम्प्लीमेंटेशन थ्रू क्लोज लिंकेजेस विद गवर्नमेंट एजेंसीज, जो प्रासंगिक सरकारी एजेंसी हैं उन्हीं के साथ साथ इंडस्ट्री और प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन अर्थात निजी और परोपकारी संगठनों के साथ भी घनिष्ठ संबंध के माध्यम से इसको कार्यान्वित करने का कार्य NRF के द्वारा किया जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसे संस्थान जो वर्तमान में किसी स्तर पर अनुसंधान को निधि प्रदान करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों वर्तमान समय में जो व्यवस्था चल रही है जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च के लिए फंडिंग का कार्य करते हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जिसको हम DST कहते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग दैट इज DAE, जैव प्रौद्योगिकी विभाग दैट इज DBT, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दैट इज ICAR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दैट इज ICMR, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद दैट इज ICHR, और साथ ही साथ जो हमारे UGC है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ साथ विभिन्न निजी और परोपकारी संगठनों से वे अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से निधिगत अनुसंधान जारी रखेंगे। प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान के समय में जो भी अनुसंधान के लिए निधि प्रदान करने वाले संस्थान हैं, जो फंडिंग एजेंसीज हैं, वे जारी रहेंगी, वे इसी तरह से जैसे पहले से ही फंडिंग करती रही हैं वे आने वाले समय में भी उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से फंडिंग रिसर्च के लिए देती रहेंगी, निधिगत अनुसंधान जारी रखेंगे, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले से जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जो कि रिसर्च या अनुसंधान के लिए फंड देने का कार्य करते हैं वे यथावत फंड देने का कार्य करते रहेंगे। Institutes that currently fund research at some level, such as the Department of Science and Technology, that is DST, Department of Atomic Energy, that is DAE, Department of Biotechnology, that is DBT, Indian Council of Agriculture Research, that is ICAR, Indian Council of Medical Research, that is ICMR, Indian Council of Historical Research, that is ICHR, and University Grants Commission, that is UGC, as well as various private and philanthropic organizations will continue to independently fund research according to their priorities and needs. अर्थात वे अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो फंड देने का कार्य है जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से आने वाले समय में भी करते रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि NRF सघन रूप से अनफंडिंग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य सक्षम अकादमियों के साथ काम करेगा। इसके साथ ही इससे जुड़ी अपेक्षित उद्देश्यों और प्रयासों में तालमेल और दोहराव की कमी को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। प्रिय विद्यार्थियों पहले से जितनी फंडिंग एजेंसी चल रही है शोध के लिए, रिसर्च के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फंड देने का कार्य करते हैं, उन सभी फंडिंग एजेंसियों के साथ जो NRF है वो एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन जो है बनाएगा, उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और साथ ही साथ विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य सक्षम अकादमियों के साथ काम करेगा। इसी के साथ साथ जो पहले से जो एजेंसीज हैं जो फंड देने का कार्य कर रही हैं जब उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाएगा तो जो प्रिय विद्यार्थियों जो दोहराव होता है उस दोहराव की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही इससे जुड़ी अपेक्षित उद्देश्यों और प्रयासों में तालमेल भी रहेगा और साथ साथ दोहराव की कमी को सुनिश्चित करने का प्रयास NRF के द्वारा किया जाएगा और NRF जो है विभिन्न फंडिंग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। हाउएवर NRF विल केयरफुली कोऑर्डिनेट विद अदर फंडिंग एजेंसीज, ध्यान दीजिए केयरफुली कोऑर्डिनेट विद अदर फंडिंग एजेंसीज एंड विल वर्क विद साइंस, इंजीनियरिंग एंड अदर एकेडमिक्स
टू एंश्योर सिनर्जी ऑफ पर्पज एंड अवॉइड डुप्लीकेट ऑफ एफर्ट्स, अर्थात सिनर्जी ऑफ पर्पज को इंश्योर करने के लिए और एफर्ट्स की डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए, उसको कम करने का भी प्रयास NRF के द्वारा किया जाएगा, और जिसके लिए वह क्या करेगा, जो भी विभिन्न फंडिंग एजेंसीज हैं उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन करेगा, उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और साथ ही साथ जो साइंस इंजीनियरिंग और अदर एकेडमिक्स हैं उनको साथ में लेकर के कार्य करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार की एक रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के बहुत ही बेहतरीन शोधकर्ता और आविष्कर्ता शामिल होंगे। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो NRF है वो क्या है, एक स्वतंत्र रूप से सरकार का एक रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के बहुत ही बेहतरीन शोधकर्ता और आविष्कर्ता शामिल होंगे, अर्थात जो विभिन्न क्षेत्र हैं रिसर्च के, शोध के, उन सभी क्षेत्रों से जो बेहतरीन शोधकर्ता हैं आविष्कर्ता हैं वो NRF में शामिल होंगे। द NRF विल बी गवर्न्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से गवर्न होगा, बाय अ रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। प्रिय विद्यार्थियों, जो रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा उसी के द्वारा NRF स्वतंत्र रूप से सरकार के द्वारा वह शासित होगा, कंसिस्टिंग ऑफ वेरी बेस्ट रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स अक्रॉस फील्ड, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों के जो बेस्ट रिसर्चर्स हैं, जो बेहतरीन शोधकर्ता हैं, आविष्कर्ता हैं, बेस्ट रिसर्चर्स और इनोवेटर्स हैं, उनको साथ में लेकर के जो है NRF कार्य करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि NRF की प्राथमिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ NRF क्या क्या, अर्थात NRF की प्राथमिक गतिविधियां कौन कौन सी होगी, वे क्या क्या कार्य करेंगी, इसके बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो NRF की प्राथमिक गतिविधियां कुछ इस प्रकार होंगी। द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द NRF विल बी टू, द फर्स्ट वन इज सभी प्रकार के विभिन्न विषयों में प्रतिस्पर्धी और पीयर रिव्यू किए गए शोध प्रस्तावों के लिए फंड देना, फंड कंपिटिटिव पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इसका प्रमुख कार्य है, पहला कार्य वो क्या है कि सभी प्रकार के विभिन्न विषयों में प्रतिस्पर्धी और पीयर रिव्यू किए गए शोध प्रस्तावों के लिए फंड देना, अर्थात ऐसे जो प्रपोजल्स हैं जो क्या हैं, कंपिटिटिव प्रपोजल्स हैं, पीयर रिव्यू प्रपोजल्स हैं, ऐसे प्रपोजल्स को ग्रांट देने का कार्य करेगा, वो चाहे किसी भी विषय का हो, अर्थात सभी विषयों के लिए सभी डिसिप्लिन्स में जो प्रपोजल्स होंगे, जो क्या होंगे, प्रतिस्पर्धी और पीयर रिव्यूड प्रपोजल्स होंगे, उन सभी विषयों में फंड देने का कार्य जो है NRF के द्वारा किया जाएगा, ये इसका पहला प्रमुख कार्य होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला कार्य है कि शिक्षा संस्थानों में, विशेषतः विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में जहां अभी अनुसंधान शैशवावस्था में है, इन संस्थानों को परामर्श प्रदान करके अनुसंधान शुरू करना, विकसित करना और इसके लिए सुविधा देने का कार्य जो है NRF के द्वारा किया जाएगा। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर रिसर्च या अनुसंधान अभी शैशवावस्था में, अर्थात स्टार्टिंग फेज में है, ऐसे संस्थानों को NRF परामर्श देने का कार्य करेगा। ऐसे संस्थानों को, प्रिय विद्यार्थियों, जो NRF है वो जो है मेंटरिंग का कार्य करेगा, काउंसलिंग का कार्य करेगा, परामर्श देने का कार्य करेगा, और साथ ही साथ ऐसे संस्थानों में अनुसंधान को प्रारंभ कराएगा, उसको विकसित कराएगा और उसको सुविधा देने का कार्य भी NRF के द्वारा किया जाएगा। शीट grow and facilitate research at academic institutions, particularly at universities and colleges where research is currently in a nascent stage through mentoring of such institutions. तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि seed, grow and facilitate research, अर्थात जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा ऐसे संस्थानों में, एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, पार्टिकुलरली एट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस वे रिसर्च इज करेंटली नेसेंट स्टेज, अर्थात जहां पर रिसर्च या शोध जो है शैशवावस्था में, स्टार्टिंग फेज में है, नेसेंट स्टेज में है, ऐसे संस्थानों में, ऐसे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में मेंटरिंग के द्वारा NRF जो है रिसर्च या अनुसंधान को बढ़ावा देगा, उसको प्रारंभ कराएगा, विकसित कराएगा और उसके लिए सुविधा भी प्रदान करने का कार्य NRF के द्वारा किया जाएगा। शोधार्थियों और सरकार की संबंधित शाखाओं तथा उद्योगों के बीच संपर्क बनाने एवं समन्वय का काम भी NRF के द्वारा किया जाएगा, जिससे शोधार्थियों को लगातार अति तात्कालिक राष्ट्रीय अनुसंधान मुद्दों के बारे में बताया जा सके और जिससे नीति निर्माता भी
अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम सफलताओं के प्रति जागरूक रहें। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो NRF का अगला प्रमुख कार्य है वह यह है कि शोधार्थियों सरकार की संबंधित शाखाओं तथा उद्योगों के बीच संपर्क बनाने और समन्वय का काम करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शोधार्थियों के साथ और गवर्नमेंट के साथ और साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उन सभी के साथ जो है संपर्क बनाने का कार्य, समन्वय का कार्य जो है NRF के द्वारा किया जाएगा। और इससे क्या फायदा होगा, इससे शोधार्थियों को लगातार तात्कालिक राष्ट्रीय अनुसंधान के मुद्दों के बारे में पता चल सकेगा। उन रिसर्चर्स को जो तात्कालिक राष्ट्रीय अनुसंधान मुद्दे हैं उनके बारे में उनको बताया जाएगा, जिससे कि नीति निर्माता जो हैं हमारे हमारे देश के जो नीति निर्माता हैं वे भी अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम सफलताओं के प्रति जागरूक रहें। अर्थात नीति निर्माता जो रिसर्च के फील्ड में जो सफलताएं मिल रही हैं उसके प्रति जागरूक रहें, साथ ही साथ जो शोधार्थी हमारे हैं वे तात्कालिक राष्ट्रीय अनुसंधान मुद्दों के बारे में जाने, उनको उसके बारे में बताया जाए। और साथ ही साथ शोधार्थियों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, इंडस्ट्रीज के बीच में संपर्क का कार्य, समन्वय बनाने का कार्य NRF के द्वारा किया जाएगा, जिससे नीति निर्माता अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम सफलताओं के प्रति जागरूक रहें। इससे इन सफलताओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से नीति और अथवा उसके क्रियान्वयन में दर्ज किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, इससे क्या होगा कि जो भी रिसर्च के फील्ड में सफलताएँ मिल रही हैं, जो सक्सेस मिल रहा है, उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से नीति अथवा उसके क्रियान्वयन में दर्ज किया जा सकेगा। अर्थात जो भी रिसर्चेज होंगे, जो भी शोध होंगे, उसके जो भी रिजल्ट आएंगे या जहां भी सफलता मिलेगी, उन सफलताओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से नीति के रूप में परिणत किया जा सकेगा, उनका क्रियान्वयन जो है वो अच्छे से किया जा सके, इसका कार्य जो है NRF के द्वारा किया जाएगा। इट एक्ट एज ए लियाजनिंग between researchers and relevant branches of governments as well as industry. विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो NRF है एलियसंस का काम करेगा, लेजनिंग का काम करेगा between researcher and relevant branches of government as well as industry. अर्थात government के बीच, industry के बीच और researchers के बीच जो है ये समन्वय का कार्य करेगा, संपर्क का कार्य करेगा, लियाजंस का काम करेगा। सो दैट रिसर्च स्कॉलर्स आर कॉन्स्टेंटली मेड अवेयर ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नेशनल रिसर्च इश्यूज, जिससे कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो हमारे देश के लिए मोस्ट अर्जेंट इश्यूज हैं उसके बारे में अवेयर हो सकें, जान सकें। एंड सो दैट पॉलिसी मेकर्स आर कॉन्स्टेंटली मेड अवेयर ऑफ द लेटेस्ट रिसर्च ब्रेक थ्रूज, सो एज टू अलाउ ब्रेक थ्रू टू बी ऑप्टिमली ब्रॉट इन टू अ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिससे कि जो भी सफलताएं मिल रही हैं, जो भी रिसर्च ब्रेक थ्रूज हैं, उससे पॉलिसी मेकर्स जो है अवेयर हो सकें, उससे परिचित हो सकें, जान सकें, और साथ ही साथ उस ब्रेक थ्रू को जो है पॉलिसी के रूप में या उसका इम्प्लीमेंटेशन आसानी से किया जा सके। इन सब का कार्य जो है NRF के द्वारा किया जाएगा। अगला है प्रिय विद्यार्थियों कि उत्कृष्ट अनुसंधान और उनकी प्रगति को पहचानने का कार्य जो है NRF के द्वारा किया जाएगा। NRF विल रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड प्रोग्रेस, अर्थात जो भी आउटस्टैंडिंग रिसर्च होंगे और जो उसमें प्रोग्रेस होगी, उस उत्कृष्ट अनुसंधान और उनकी प्रगति की पहचान NRF के द्वारा किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बारे में कहा गया है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में, अर्थात सभी विषयों में, सभी डिसिप्लिन्स में गुणवत्ता युक्त अकेडमिक अनुसंधान को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, कैसे उत्प्रेरित किया जाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। हाउ NRF विल कैटलाइज क्वालिटी अकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और अंत में प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि रिसर्च की महत्ता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद NRF के बारे में देखा, और अंत में हम लोगों ने NRF के प्रमुख कार्य क्या होंगे इसके बारे में चर्चा किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट करिए, कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप उसको हम तक पहुँचाइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, मूल्यवान सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर भी अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज़ लाइक
शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोस को आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आसानी से ढूंढ पाएँ, प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उसको खोज पाएँ और देख पाएँ, उस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, ये जो लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस, उसकी इन्फॉर्मेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।